Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is the third lecture of autopsy, and in today's lecture we will cover following documents. Pre-autopsy documentation. आपको पिछले लेक्चर में बताए थे डॉक्यूमेंट्स जो ऑटोप्सी से पहले हमें चाहिए, उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने वाले अभी रहते थे. आई विल शो दोज डॉक्यूमेंट्स, देन वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोप्सी एंड देन स्टेजेस ऑफ ऑटोप्सी, जिसमें से सबसे पहली स्टेज दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ्स विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर. सो आप तो हम मैं पहले डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं जो लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है. प्री ऑटोप्सी डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज द रिक्वेस्ट फॉर्म जो पुलिस एप्लीकेशन देगी फॉर इश्यूएंस ऑफ ए डॉकेट. पुलिस अपने सीनियर को रिक्वेस्ट करेगी, अप्लाई करेगी फॉर इश्यूएंस ऑफ डॉकेट, कि हमें डॉकेट इशू किया जाए. दिस इज द एप्लीकेशन. देन this is an important document and this are injury statement. This is from police, and in this document you will know that police has written number of injuries. Agar ek injury hai jaise is case mein hai to ek injury likhi jayegi, aur agar zyada hai to jo injuries police note karegi apne paper mein usko us document ko hum kahenge injury statement or form mazrubi. उर्दू में ये आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्म मजरूबी. दिस इज फॉर्म मजरूबी और दिस इज द इंजरी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द पुलिस. सो दिस इज फॉर्म मजरूबी और इंजरी स्टेटमेंट विच इज ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो हमें ऑटोप्सी से पहले लाजमी चाहिए. देन आपको बताया कि कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होते हैं, केस टू केस वेरी करते हैं. कुछ केसेस में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, अदर केसेस में अदर डॉक्यूमेंट चाहिए. जैसे ये है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी का फॉर्म है, एंड इट इज फॉर्म ऑफ रिसीव डेड सर्टिफिकेट. ये रिसीव डेड सर्टिफिकेट का मतलब है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते वक्त ही पहले से वो डेड हो आए हैं हॉस्पिटल में, बट दे आर रिसीव डेड, तो उनका एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है कि इस टाइम पे ये डेड बॉडी आई और इस टाइम पे यहां से गए. देन उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल रहा और उसके बाद उसकी डेथ हुई और हम ऑटोप्सी करना चाह रहे हैं, देन वी नीड ऑपरेशन नोट्स फ्रॉम दैट यूनिट, सर्जिकल यूनिट, या ट्रीटमेंट नोट्स फ्रॉम द मेडिकल वार्ड. तो इसमें सारी इंजरीज लिखी, उन्होंने सारे ऑपरेशन की जो डिटेल है वो लिखी होती है, क्या प्रोसीजर किया. तो इसका फायदा क्या होता है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट द सर्जिकल इंजरीज और सर्जिकल वूंड्स फ्रॉम द ट्रॉमा. सो हमें ऑपरेशन नोट के साथ उनको टैली करना पड़ता है इन द ऑटोप्सी. ये भी ऑपरेशन नोट्स है. सो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो बिफोर ऑटोप्सी आपको चाहिए होते हैं. ये देखें, दिस इज अनदर फॉर्म मजरूबी और इंजरी स्टेटमेंट. इसमें मल्टीपल इंजरीज, पांच इंजरीज लिखी हुई हैं, चार, ठीक है. और उनकी डिटेल पूरी लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी इंजरी है. वो इसलिए होती है कि हम जो ऑटोप्सी सर्जन है उसने इन इंजरीज को और बॉडी पे जो खुद वो देखता है इंजरीज, उसको टैली करना होता है. अब हमारे पास क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोप्सी, क्या रूल्स हैं, क्या असूल है. कि सबसे पहला प्रिंसिपल है कि इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड एडिक्वेट. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सेम ऑटोप्सी प्रोटोकॉल इज टू बी फॉलोड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जहां भी कहीं ऑटोप्सी हो रही है सबका एक ही तरीका होना चाहिए, लिखने का भी एग्जामिनेशन का भी, जिसकी वजह से ऑटोप्सी रिपोर्ट शुड बी यूनिफॉर्म. और एडिक्वेट का क्या मतलब है? एडिक्वेट का मतलब है कि कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, कोई चीज मिस नहीं करनी चाहिए. तो उसमें एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ से लेके फिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी एंड कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमन इफ रिक्वायर्ड, ये सारे काम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो ऑटोप्सी रिपोर्ट एडिक्वेट भी होगी और यूनिफॉर्म भी होगी इन द होल वर्ल्ड. अब हम आते हैं कि हमने सब अपनी प्रीरिक्विजिट्स पूरी कर ली, तो अब हम ऑटोप्सी शुरू करना चाहते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑटोप्सी? नंबर वन, बायोडाटा कंफर्मेशन. हमने जो बायोडाटा नोट किया था डेड बॉडी का, उसको अब हमने कंफर्म कर रहा है. देन हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश करनी है उस डेड बॉडी की. स्टेज फिर एग्जामिनेशन करना है, जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आएगा, इंटरनल एग्जामिनेशन, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, देन कलेक्शन ऑफ सैंपल्स एंड रिकवरीज. जो सैंपल हम बॉडी से कलेक्ट करेंगे
जो फॉरेन बॉडीज या बुलेट्स या पीस ऑफ ग्लास, एनी फॉरेन थिंग विच इज फाउंड इन द बॉडी ओवर द बॉडी, वो रिकवर करके उसको हम अलहदा से सील करते हैं. सो कलेक्शन ऑफ सैंपल्स एंड रिकवरीज. कंक्लूजन ड्रॉन, इन सारी चीजों से हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉन हुई अबाउट द कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे उन, वो क्या निकले, ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना है. तो उस कंक्लूजन को हमने डॉक्यूमेंट की सूरत में, जिसको हम अटोप्सी प्रोटोकॉल और अटोप्सी रिपोर्ट कहते हैं, उसकी शक्ल में हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है, उसमें ये सारी फाइंडिंग होनी चाहिए. तो वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाई वन. बायोडाटा कंफर्मेशन कैसे करेंगे हम? बायोडाटा क्या चीज होती है? कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, लाइक नेम, एज, सेक्स, डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द बॉडी इन द मॉर्चरी, हु ब्रॉट द बॉडी, कौन से पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके नाम क्या है, ये सारे, उनका नंबर क्या है, ये सारे हमने नोट करने. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट ऑटोप्सी शुरू करने से पहले या बॉडी हम निकाल रहे हैं फ्रीजर से, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन इज आइडेंटिफिकेशन टैग अटैच विद द बॉडी शुड बी टैलीड विद अथॉरिटी लेटर. हमारे पास अथॉरिटी लेटर, जो डॉकेट आपको मैंने दिखाया था लास्ट लेक्चर में, उसमें उस डिसीज का नाम लिखा होता है, एज, एड्रेस लिखा होता है. उस फाइंडिंग्स को, उस इंफॉर्मेशन को हमने टैग के साथ टैली करना है. क्यों? सो दैट यू मे नॉट परफॉर्म अटॉप्सी ऑन रॉन्ग बॉडी. ठीक है. देन नोट द नेम एंड सीएनआईसी नंबर ऑफ द टू आइडेंटिफायर हु आइडेंटिफाइड द डेड बॉडी. डेड बॉडी को जब आप बाहर निकालते हैं तो उसके साथ जो रिलेटिव्स होते हैं उन, या जो भी हायर लीगल हायर्स होते हैं, उनके वारिस, उसके रिश्तेदार, उनके दो लोगों को कहा जाता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये वही डेड बॉडी है जिसको आप पहचानते हैं, जो आप लेके आए थे. तो उन दो लोगों के नेम्स, सीएनआईसी नंबर शुड बी नोटेड इन पेपर्स. अब हम शॉर्टली ब्रीफली देखते हैं कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन. एक्चुअली पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और पर्सनल आइडेंटिटी का एक फुल टॉपिक है जिसपे तकरीबन 6 or 7 लेक्चर होते हैं, तो वो वहां पे फुल डिस्कस किया जाएगा. यहाँ एक ब्रीफ ओवरव्यू ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए आइडेंटिफिकेशन की और आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा. पर्सनल आइडेंटिटी क्या है? दिस इज द एब्सोल्यूट फिक्सेशन ऑफ एन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए पर्सन. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन का ये मतलब. इसके क्या तरीके हैं? इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं. मेथड्स एंड पैरामीटर्स में फर्क है. मेथड्स तीन है, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड एंड थर्ड मेथड पार्टी मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन. हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब है सब्जेक्ट, हु इज द सब्जेक्ट, इट इज अ डेड बॉडी इन केस ऑफ ऑटोप्सी. सब्जेक्ट आपके पास है तो आप उसके सारे पैरामीटर्स नोट करेंगे, एज, सेक्स, रेस, हाइट, वेट, बिल्ड, from head to toe, everything to be noted. ये subjective method. Then objective method. Object का मतलब है कोई चीज, किसी चीज से, किसी object से किसी इंसान को identify करना is objective method of examination. Like identification by ID card, driving license, passport. कोई उसके पास कपड़े ऐसे हैं जिनपे कोई नाम लिखा है, कोई tattoo बना हुआ है. ये सारी चीजों को जब हम देख के किसी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं या किसी को भी आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ एग्जामिनेशन. फॉर एग्जांपल, किसी क्लास में एक स्टूडेंट है जो हमेशा रेड कलर की कैप पहनता है. आप उस रेड कलर की कैप को बाकी क्लास फेलोज जहां भी कहीं देखेंगे खाली कैप से, वो पहचान सकते हैं कि दिस कैप बिलोंग्स टू दैट स्टूडेंट. तो इस तरह ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्ट से हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं. दिस इज ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ एग्जामिनेशन. इसकी डिटेल अभी नहीं आपको मैं पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं थोड़ा सा ब्रीफली. देन इज द थर्ड पार्टी मेथड. एनी थर्ड पर्सन कन्फर्म्स आवर आइडेंटिफिकेशन. ही मे बी पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेक्स्ट ऑफ किन, फ्रेंड्स, पुलिस. जो नॉन डेड बॉडी हो उसमें उसके कोई भी रिलेटिव्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे उनके कोई दूर के रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, जब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये हम इसको जानते हैं, ये वो पर्सन है, फलां पर्सन है, दिस मेथड इज कॉल्ड थर्ड पार्टी मेथड. इन केस ऑफ अननोन डेड बॉडीज तो कौन उनको आइडेंटिफाई करेगा? उनको वैसे तो कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, बहुत सारे मेथड से गुजरना पड़ता है इसमें, लेकिन उसमें पुलिस जो डेड बॉडी को लाएगी
वही उसको आइडेंटिफाई करेगी एट द टाइम ऑफ ऑटोप्सी कि वही बॉडी है जो हम लेके आए थे जिसकी ऑटोप्सी अब होने लगी है. सो थर्ड पार्टी मेथड इज द श्योरेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन. जी अब उसके बाद थर्ड पार्टी में क्या होता है कि रिलेटिव्स या अटेंडेंट्स या कस्टोडियन. कस्टोडियन कौन होता है? पुलिस. वो आइडेंटिफाई करें डेड बॉडी को. तो दिस इज थर्ड पार्टी मेथड. अब फ्रेश बॉडी, तो फ्रेश बॉडी में थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन जो मेथड है वो यूज होगा. कोई भी आके उसके रिश्तेदार देखेंगे और कहेंगे आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा. देन अर्ली डीकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी है तो उसमें सब्जेक्टिव भी मेथड होंगे और ऑब्जेक्टिव मेथड भी होंगे. सब्जेक्ट का मतलब है कि उस की फेशियल फीचर्स, उसकी एज, सेक्स, बिल्ड, इस चीज को और देख के आइडेंटिफाई किया जाएगा. या और प्लस ऑब्जेक्टिव मेथड उसके कपड़े, उसके कोई और आईडी कार्ड उसमें से निकला है, पासपोर्ट निकला है, उसकी खास कोई रिंग है जिसकी वजह से कोई उसको आइडेंटिफाई करे. तो अर्ली डीकम्पोजिशन जब हो तो थोड़े बहुत फीचर्स चेंज हो जाते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफिकेशन. तब दोनों मेथड यूज किए जाते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेथड. एंड इफ द बॉडी इज इन वेरी मच डीकम्पोज कंडीशन ओनली ऑब्जेक्टिव मेथड. अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटोप्सी प्रोटोकॉल में आगे हमने अब क्या करना है कि स्टेजेस क्या हैं अब एग्जामिनेशन की. ये हमने देख लिया कि बॉडी को आइडेंटिफाई भी कर लिया हमने किस कंडीशन में बॉडी थी, उसके लिहाज से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और थर्ड पार्टी में से जो भी मेथड यूज करके वी आइडेंटिफाई द डेड बॉडी बिफोर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. उसके बाद हम जब शुरू करेंगे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तो पहला स्टेप क्या है? एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हम क्यों करेंगे और क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ. फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ्स एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन देम. सबसे पहला स्टेप इन द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज एक्सामिनेशन ऑफ द क्लोथ्स. हम उस पे क्या देखेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन कपड़ों की देखी, उसके बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी भी देखी एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग इट. देन इंटरनल एग्जामिनेशन. इंटरनल में क्या होता है? ओपनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज है, स्क्रूटनी ऑफ द इंटरनल कंटेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन एंड देन क्लोजर ऑफ द बॉडी. ये तीन स्टेजेस हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन एंड क्लोजर ऑफ द बॉडी. अब पहली जो स्टेज है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इसमें सबसे पहला है एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ्स. देन एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी हम बाद में करेंगे, हम पहले देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ्स. Clothes give you valuable information and they are examined. क्यों हम examine करते हैं? On the body किस तरह करते हैं कि पहले जब वो body के ऊपर मौजूद हैं उनको examine किया जाता है, inspection किया जाता है still on the body. Then after removal from the body the clothes should be scrutinized in detail. उतार के फिर उनको अलहदा बिछा के तो उनका examination किया जाता है. अब यहाँ पे कपड़ों को जब भी एग्जामिनेशन करते हैं या कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो लिविंग पर्सन का है, चाहे वो डेड का है, चाहे वो किसी चीज का है, उसमें तीन तरीके हैं, विजुअल, मैनुअल एंड सेंसुअल. विजुअल का मतलब है कि आप इंस्पेक्ट करेंगे, मैनुअल का मतलब आप हाथ में पकड़ के देखेंगे, सेंसुअल का मतलब है कि आप अपनी सेंसेस, फाइव सेंसेस में से यूज करेंगे कि स्मेल आ रही है अगर, ये हम क्लोथ के लिए यूज करेंगे ये तीन टाइप्स. ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ क्या है? क्यों कर रहे हैं हम एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ या क्लोथ पे हम इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? क्लोथ आर एग्जामिन्ड फॉर आइडेंटिटी, फिजिकल एविडेंस, फिजिकल डैमेज. तीन चीजें ही हमें मिल सकती हैं क्लोथ से, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. नंबर वन इज द आइडेंटिटी. अब ये किस तरह उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? क्लोथ से हमें क्या हेल्प मिलती है? क्लोथ हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वेरियस फाइंडिंग ऑन द क्लोथ. क्या क्या फाइंडिंग? टेलर मार्क, लॉन्ड्री मार्क, अदर पैरामीटर्स, कोई खास उसका मार्क है, किसी खास बुटीक है, किसी के ऊपर कोई टैग है, उससे आइडेंटिफिकेशन हो सकती है. ये हेल्प करता है हमें. फिर हमें एज का पता चल जाता है, साइज से, विड्थ से, एडल्ट है या चाइल्ड है, सेक्स. कपड़े को देखते ही किसी भी क्लोथ को हम देखेंगे कि यह किसी मेल का है या फीमेल का है. ऑक्यूपेशन भी हमें पता चल सकता है, लाइक स्कूल यूनिफॉर्म है, किसी खास फोर्सेज के या पुलिस का यूनिफॉर्म है, किसी खास इंस्टीट्यूशन का यूनिफॉर्म है, तो उससे हमें ऑक्यूपेशन का पता लग जाता है. रेस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी हमें क्लोथ से हेल्प मिलती है इसको. सो ये सारी पैरामीटर्स हैं आइडेंटिफिकेशन के.
अब फिजिकल एविडेंस हमें क्लोथ्स की एग्जामिनेशन से क्या मिलता है, यानी हमें वहां से एविडेंस मिलेंगे दो टाइप्स के, बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल। ये फिजिकल एविडेंस मिल रहा है हमें, बायोलॉजिकल मटेरियल्स लाइक कोई ब्लड है, सलाइवा है, सीमन है, तो ये मटेरियल जो है कलेक्ट किया जाएगा एज अ ट्रेस एविडेंस। नॉन बायोलॉजिकल में बुलेट है, डैगर है, कोई पीस ऑफ ग्लास है, जो भी बॉडी से मिलेगा, दिस इज नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल। देन फिजिकल डैमेज, वो फिजिकल एविडेंस था, अब हमने देखना है कि डैमेज क्या क्या है, उसको भी नोट करना है। कोई भी एविडेंस हो सकता है, लाइक ब्रोकन बटन्स हैं, ब्रोकन जिपर है, टीयर्स हैं, कट्स हैं, होल्स हैं, बर्न है, तो ये फिजिकल डैमेज हम नोट करेंगे। देर में भी ये जो चीजें हैं सारी मेजर की जाएंगी। इंजरी है कोई, यानी कट है वहां पे, या फटा हुआ है कपड़ा, या उसके ऊपर कोई स्टेन है, तो उस सबको मेजर किया जाएगा और उसको लिखा जाएगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, बाजू पे है, बैक ऑफ द शर्ट पे है, कि कहाँ पे है। देन एग्जामिनेशन द क्लोथ आफ्टर रिमूवल, ये सब कुछ जो हमने पहले किया ये ऑन द बॉडी क्लोथ से। अब आपने हम क्या करना है कि क्लोथ को रिमूव करना है। रिमूवल का मतलब ये है कि उसको खाली रिमूव करके देखना ही नहीं है, वी हैव टू प्रिजर्व एंड पैक दीज क्लोथ्स। प्रिकॉशंस क्या करनी चाहिए, दे शुड बी रिमूव केयरफुली। रिमूवल ऑफ द क्लोथ शुड बी डन विद केयर, अवॉइडिंग एक्सटेंशन इन द कट्स, परफोरेशन एंड टीयर्स एंड लॉस ऑफ फॉरेन मटीरियल। अभी हमने बताया कि उस पे कट्स हो सकते हैं, लेसरेशन या टीयर्स हो सकती हैं, तो अब ये हमने बड़ी प्रिकॉशन लेनी है कि हमने वहां उसको रिमूव जब कपड़ों को करना है, तो अवॉइड करना है कि हम इन्हीं इंजरीज को एक्सटेंड कर दें, जहां से एविडेंस हम फिजिकल एविडेंस ऑफ देख रहे थे डैमेज का, तो उसको हम अगर एक्सटेंड कर देंगे तो फिर हमारी फाइंडिंग खराब हो जाएगी। कटिंग अवॉइड करनी है, इफ कटिंग इज रिक्वायर्ड देन कट थ्रू द स्टिचेस, अवॉइड कटिंग थ्रू द एरियाज ऑफ द साइड्स ऑफ द इंजरीज एंड ऑल्सो कटिंग ऑफ द एरियाज कंटेनिंग अदर एविडेंस, ये शुड बी अवॉइडेड। क्लोथ शुड बी रिमूव्ड पीस बाई पीस। आफ्टर रिमूवल इफ क्लोथ्स आर वेट, देन ये दे शुड बी ड्राइड इन एयर, डू नॉट एक्सपोज देम टू हीट और डायरेक्ट सनलाइट, उससे जो हमारा बायोलॉजिकल एविडेंस है वो लॉस हो सकता है। क्लोथ शुड बी अगेन रिव्यूड सो दैट नथिंग इज लेफ्ट, फिर ध्यान से उसको एक दफा देख लें। बुलेट है तो उसमें फाइबर्स करो इधर को है, अंदर है या बाहर है, हमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ये एंट्री वूड है या एग्जिट वूड है, कट लगा हुआ है या फटा हुआ है कपड़ा, तो उसको एग्जामिन एक दफा ध्यान से देख लें आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। क्लोथ शुड बी साइंड पोस्ट विद एंड पोस्टमार्टम नंबर लिखा जाए इस पे, एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी रिटन, दिस इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्लोथ को आपने एग्जामिन कर लिया, उसके बाद आपने जो भी ऑटोप्सी सर्जन है उसने उसके ऊपर साइन करना है, पीएमआर नंबर लिखना है एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन लिखना है, दिस पॉइंट शुड नेवर बी मिस्ड। ये आप देखें कि जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है पीएमआर नंबर, उसके साथ डॉक्टर के नाम की एब्रीवेशन होगी, उसका पीएमआर नंबर है, फिर डेट है, ये आप दोबारा देख सकते हैं कि पीएमआर नंबर और डेट और सिग्नेचर ये होना चाहिए, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच शुड नॉट बी मिस्ड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इंशाल्लाह द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। थैंक यू वेरी मच।